राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मैं इसे कट करता हूँ कॉस इनवर्स से कॉस को, तो मुझे क्या मिलेगा? 13π/6। π/6 मतलब 30 × 13। तो 30 × 13 कितना आएगा हमारा? 390 है कि नहीं। π/6 हमारा 30 होता है, इंटू में 13 है तो हमें मिला 390। क्या 390 कॉस इनवर्स के रेंज में आता है? तो चेक करें रेंज क्या है। कॉस इनवर्स का रेंज है हमारा 0 से π, 0 से 180। 0 से 180 में क्या 390 आएगा? नहीं आएगा। तो हमें कोई जुगाड़ लगा के इसे इस रेंज में लाना होगा, सिंपल सी बात है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, ये क्या हमारा 390 है ना, 390 हमारा 360 के पास होगा, यस और नो? एक ही बात है, मैं तो कह रहा हूँ समझ में आई बात। 390 जो है मेरा 360 के पास होगा। तो मैं काम करता हूँ, 360 मेरा 2π है, तो 2π में से मैं माइनस कर देता हूँ 390, जो कि क्या है मेरा 13π/6। तो मुझे क्या मिलेगा? एलसीएम लो, 6 × 2 = 12, 12π − 13π मतलब −π/6 मिलेगा। मुझे वैल्यू चाहिए 13π/6 की, तो एक काम करता हूँ, इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले आओ। तो मुझे क्या मिलेगा? 2π, नेगेटिव का है −π/6, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का π/6 = ये नेगेटिव का है 13π/6, इस साइड लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 13π/6। मतलब मैं 13π/6 को ये लिख सकता हूँ 2π + π/6, सिंपल सी बात है ये तो, है ना। मैंने क्या किया फिर रिपीट करता हूँ, 390 था इसकी वैल्यू हमारी, तो इसके पास हमारे 360 आता है, तो मैंने 360 मतलब 2π में से ये माइनस कर दिया, इक्वल टू में जो भी आया फिर उसको इस साइड ले आया, और जो 13π/6 था वो इस साइड ले आया, तो मुझे ये मिल गया 13π/6 की वैल्यू 2π + π/6। ठीक है, तो पुट करते हैं इसे कुछ मान लो ताकि बार बार ना लिखना पड़े पूरा हमें। तो y मान लिया हमने, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? cos इनवर्स cos 2π + π/6। एक ही बात है ना, चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके चेक कर लो, ये आ जाएगा वापस। ठीक है ना, तो इसे और सॉल्व करो, cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा और 360 है मतलब नो चेंज, हमें क्या मिलेगा? π/6 मिलेगा, cos π/6 ही है ना, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ? तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि cos इनवर्स की रेंज में आ रही है कि नहीं π/6 मतलब 30 क्या 0 से 180 में आएगी? बिल्कुल आएगी, तो इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिला? y = π/6, यही मेरा आंसर है, और ये बिलोंग करता है हमारा रेंज से जो कि हमारा 0 से π क्लोज ब्रैकेट है। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर मैं tan इनवर्स से tan को कैंसिल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 7π/6 मिलेगा, है ना। π/6 मतलब 30 × 7 मतलब 210। तो इसे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 180 + 30, चाहे ऐसे कर लो, चाहे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे कर लो। 210 किसके पास है? 180 के पास है, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ पाए, ठीक है, 180 के पास है, इसलिए मैं पाए यूज़ कर रहा हूँ, पाए मतलब 180 माइनस जो भी हमारा ये 7π/6 कर दो, −7π/6 हमें क्या मिलेगा? एलसीएम लोगे तो 6π − 7π/6 मतलब −π/6। तो इसे इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ ताकि हमें 7π/6 की वैल्यू मिल जाए। तो हमें क्या मिलेगा? पाए, ये नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव जाएगा, तो π + π/6 = ये नेगेटिव है इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7π/6। तो हमें 7π/6 की वैल्यू क्या मिली? π + π/6। यहाँ पे भी यही मिल रही थी, 180 मतलब पाए और 30 मतलब π/6, है ना, एक ही बात है, चाहे कैसे भी कर लो जो आपको अच्छा लगे। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, इसे कुछ मान लो, y मान लेते हैं ताकि पूरा ना लिखना पड़े हमें। तो y = tan इनवर्स tan 7π/6 की जगह पर लिखने वाला हूँ मैं π + π/6, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट, फिर y = tan इनवर्स
तो 10 पाई प्लस पाई बाय 6 क्या आएगा हमारा, 10 180 प्लस थीटा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है हमारा, तो हमें क्या मिलेगा, 10 थीटा मिलेगा, मतलब 10 पाई बाय 6 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो चेक कर लो 10 की जो रेंज है वो क्या है, -90 से 90, -π/2 से π/2, तो -90 से 90 के बीच में क्या π/6 मतलब 30 आती है, बिल्कुल आती है, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि रेंज में आ रही है। अब पहले हमने कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि रेंज में नहीं आ रही थी, तो हमें क्या मिला, y = π/6 जो कि बिलोंग करती है रेंज में 10 इनवर्स के, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हमें प्रूव करना है कि 2 sin inverse 3/5 हमारा इक्वल होगा 10 inverse 24/7 के, ठीक है। इसे करने से पहले एक बार ये देख लो, 2 tan inverse x हमारा इक्वल होता है 10 inverse 2x/1 - x² के, और इक्वल होता है sin inverse 2x/1 + x² के, और हमारा इक्वल होता है इसके, ठीक है। तो अभी रिक्वायरमेंट किसकी है, इसकी है, तीनों याद होने चाहिए आपको, तीनों नोट कर लो, कभी भी कोई सा भी काम आ सकता है। अभी फ़िलहाल इस साइड क्या है हमारा, 10 इनवर्स है, तो हमें 10 इनवर्स वाला यूज़ लेना है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है इक्वल दोनों, एक काम करते हैं, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS है, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड RHS, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसे sin inverse 3/5 को 10 में चेंज कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे, काफ़ी आसान है, एक काम करो, रफ में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक काम करो कि sin inverse 3/5 को कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, क्या माने बताओ, x मान ले, तो मुझे क्या मिलेगा, sin x = 3/5, यस और नो, sin को इस साइड ले आओ, तो sin x = 3/5, साइन होता क्या हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यस और नो। तो अब मैं बनाऊंगा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, मुझे 10 में चेंज करना है इसलिए, तो ये क्या है हमारा 3 परपेंडिकुलर है और अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5 हमारा हाइपोटेनियस है, तो ये 3 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 5 हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस क्या आएगा हमारा बताओ, सबको ये फॉर्मूला पता है ना कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से ये क्या आएगा हमारा 25 + 9, या ऐसे बोलूँ √5 cos² - 25 - 3 cos² 9, मतलब √16, मतलब 4, ये आएगी वैल्यू। और हमें क्या निकालना था, 10 निकालना था, तो 10 निकालने के लिए 10x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 10 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, तो 3/4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 को उस साइड ले जाओ, तो 10 inverse 3/4, ठीक है, समझ में आया। हमारे पास sin inverse 3/5 था जिसको हमने x माना था, और हमारे पास नया x आ गया जो कि 10 की फॉर्म में है, 10 inverse 3/4, सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, बस आपको ये छोटी सी बात क्लास 6-7 की होगी, पता ही रहती है सबको ये बात, तो और सॉल्व कर लो, और हमने 10 में चेंज कर लिया, ठीक है। तो मैं LHS की बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो हमारा 2 क्या है यहाँ पे sin inverse 3/5, और sin inverse 3/5 हमारा इक्वल होगा 10 inverse 3/4 के, तो इसे मैं लिखने वाला हूँ 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है इसलिए 2 लिखा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये है हमारी, तो 2 tan inverse 3/4, एक ही बात है ना। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद हम, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 2 tan inverse x हमारा इक्वल होता है 10 inverse 2x/1 - x², ठीक है, तो यही यूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे इस साइड क्या है 10 है, 2 नहीं है, तो 2 वाला था यहाँ पे 2 tan inverse x था, इसे हम सिंपल 10 में चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, तो हमें क्या मिलेगा 10 inverse 2x, क्या हमारा 3/4, तो 2 × 3/4 / 1 - x², मतलब 1 - x हमारा 3/4 है, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व कर लो इसे, 2 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे, और क्या आ गया हमारे पास 10 इनवर्स, ऊपर मिलेगा हमें 3 बाय
टू और नीचे क्या मिलेगा, वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन और फोर का होल स्क्वायर सिक्सटीन, तो वन माइनस नाइन बाय सिक्सटीन एलसीएम लोगे तो सिक्सटीन आएगा, सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन, सेवन अपॉन में सिक्सटीन आ जाएगा हमारे पास नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसे और सॉल्व कर लो। अच्छा ये बात बताओ मुझे, ये तो पता है ना सबको कि अगर यहाँ ले दो ए अपॉन में बी के डिवाइड में सी अपॉन में डी होगा, तो उसे आप ले सकते हो ए अपॉन में बी जो डिवाइड में होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब और मल्टीप्लाई कर दो इनटू डी अपॉन में सी। ठीक है, क्लास फोर्थ फिफ्थ का होगा ये, तो ये यूज़ कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टेन इनवर्स थ्री बाई टू इंटू में सिक्सटीन अपॉन में सेवन, तो क्या आंसर आ गया हमारा, टू से सिक्सटीन कैंसिल एट आएगा, तो टेन इनवर्स एट थ्री जै ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर अपॉन में नीचे क्या है सेवन, सेवन। तो मतलब हमारा ये क्या है, ये हमारा एल एच एस है जो कि इक्वल आ गया आर एच एस के, है ना। हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव किया हमने, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, डन, सिंपल यही करना था हमें, और आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसे नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एट अपॉन में सेवनटीन प्लस साइन इनवर्स थ्री अपॉन में फाइव हमारा इक्वल होगा टेन इनवर्स सेवेंटी सेवन अपॉन में थर्टी सिक्स के। तो हम क्या करेंगे, करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको यूज़ कर लो। ये कैसे यूज़ करोगे, इसे टेन इनवर्स में चेंज कर लो, इसे टेन इनवर्स में चेंज कर लो, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज़ करके इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। चेंज कैसे करते हैं वो हमने पिछले क्वेश्चन में सीख रखा है ना, आसान सी बात होती है काफ़ी चेंज करना। तो और एक तरीका है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये नए हैं आपके लिए, इन्हें नोट कर लो, बहुत काम के हैं। और ये दोनों सेम सेम है, अगर ध्यान से देखोगे तो सेम सेम है दोनों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हमारा इक्वल होता है, यहाँ पे प्लस है, इसमें माइनस था, यहाँ पे माइनस है ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का भी सेम सेम है, बस एक डिफरेंस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो इन्हें याद कर लो, नोट तो कर ही लो, देखोगे अपने आप ही याद रहेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, तो इन्हें भी यूज़ करेंगे हम, फिलहाल हम इससे कर लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हम इससे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इसको यूज़ करके। तो अभी फ़िलहाल टेन में चेंज करो, तो कैसे चेंज करते हैं, तो ये हमारा टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या है हमारा, साइन इनवर्स एट अपॉन में सेवनटीन, इसे कुछ मान लो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इस साइड ले आओ, तो साइन एक्स हमारा मिलेगा हमें एटीन अपॉन में सेवनटीन, और साइन एक्स होता क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ट्रायंगल ये रहा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर ये होगा हमारा एटीन, सॉरी एट, और हाइपोटेन्यूस होगा हमारा सेवनटीन। तो बेस क्या होगा बताओ, सेवनटीन का होल स्क्वायर मतलब टू एटी नाइन, माइनस एट का होल स्क्वायर मतलब सिक्सटी फोर, और क्या आएगा हमारे पास, टू ट्वेंटी फाइव आएगा ना, टू ट्वेंटी फाइव मतलब अंडर रूट 225 हमारा 15 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बेस, तो ये तो सॉल्व हो गया हमारा, है ना। इसे मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 8 है और बेस हमारा क्या है 15। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया साइन से टेन में। अब बात करते हैं इसकी, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आराम से, है कि नहीं। तो एक और ट्राइंगल बना लो आप, इस बार हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर थ्री है और हाइपोटेन्यूस, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर थ्री है, हाइपोटेन्यूस फाइव है, तो ये बेस क्या आएगा हमारा, फाइव का होल स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर मतलब नाइन मतलब सिक्सटीन अंडर रूट के अंदर मतलब फोर। ठीक है, तो हमें टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन इनवर्स थ्री, परपेंडिकुलर थ्री है, बेस कितना है फोर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक, और एक हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल होगा
और ये वाला हमारा इसके इक्वल होगा। तो पुट कर सकता हूँ मैं इसे, ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स ये हमारा 3/4 इज इक्वल टू, तो हमें फॉर्मूला पता है ना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y हमारा इक्वल होता है इसके। यहाँ एक काम करो, लिख लो कि ये क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें RHS राइट हैंड साइड मिल जाए, प्रूव हो जाएगा हमारा इक्वल। फिर तो हमें फॉर्मूला से पता है कि ये हमारा इक्वल होगा टेन इनवर्स x प्लस वाई, एक्स हमारा क्या है 8/15 प्लस y क्या है 3/4 डिवाइड में 1 - x2, मतलब 1 × 8/15 × 3/4, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। सॉल्व कर लो इसको आप, टेन इनवर्स एलसीएम लो तो क्या आएगा हमारे पास 15 × 4 = 60 आएगा एलसीएम, और 15 × 4 = 60 तो 4 × 8, 8 × 4 = 64, 8 × 4 = 32 और 15 बार में आएगा 60 तो 15 × 3 = 45 होता है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 15 × 4 = 60 एलसीएम लोगे 60 आएगा तो 60 यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस और 8 × 3 = 24 और टोटल डिवाइड में 60, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले भी कि जब भी आपका a अपॉन में b और डिवाइड में c अपॉन में d होगा ना, तो उसको आप लिख दो डायरेक्ट a अपॉन में b, और जो भी डिवाइड में है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उल्टा करोगे मतलब d अपॉन में c मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा इक्वल होगा, ये तो क्लास 4th-5th का होगा, ये बात तो पता रहती है सबको। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 32 + 45 कितना आएगा हमारे पास 3 + 4 = 7 और 2 + 5 = 7 77/60 इंटू में इसको उल्टा कर दो और लिख दो, ये क्या हमारे पास नीचे क्या है 60, तो इंटू में 60/60 - 24 = 36 आएगा, ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास टेन इनवर्स 77/36 जो कि RHS के इक्वल है, ठीक है, ये हमारा क्या है LHS है। तो हेंस कि हमारा LHS हमारा इक्वल टू RHS आ गया, तो हेंस प्रूव, ठीक है, तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है, ये याद कर लो और इसे अभी फ़िलहाल नोट कर लो, अगले वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये करने का कि आप इसे tan इनवर्स चेंज कर लो, इसे भी कर लो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर tan इनवर्स में आएगा। इस साइड cos इनवर्स में है, तो इसका जो आंसर आएगा ना tan इनवर्स में, उसे cos इनवर्स में चेंज कर दो, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होंगे तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले से भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि याद कर लो, आसान है, बताया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिखा रखा है मैंने सारे फॉर्मूलेस, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हीरा है ना, इक्वल होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² इंटू अंडर रूट 1 - y², इसे नोट कर देना है आप, ठीक है, लिख देना कि ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। तो इक्वल टू में क्या ले सकता हूँ मैं, कॉस इनवर्स एक्स क्या है हमारा 4/5, वाई क्या है हमारा 12/13, ठीक है। तो ये इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड क्या है हमारा राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, और हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमारा इक्वल आएगा ये कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू वाई, एक्स हमारा 4/5 है, y हमारा 12/13 है, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - x², मतलब 1 - x हमारा 4/5 है ना, तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू में अंडर रूट के अंदर 1 - y², y क्या है हमारा 12/13 है, तो 1 - 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है, बस प्लस माइनस करना है, तो बस कोई छोटी मोटी गलती ना हो ना, तो
बेटर रहता है, आराम से करो। 4/5 है, 12/13 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 12 जा 12 4 जा कितना होता है, 48 होता है, और 13 5 जा 65 होता है, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 -4/5 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, तो हमारे पास क्या है, 1 -16/25, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 -16 जो कि हमारा 9 होता है, 9/25 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो आएगा हमारे पास, ये क्या है हमारा 12 का होल स्क्वायर, मतलब 144/169, 13 का होल स्क्वायर 169, तो एलसीएम लो तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 169, यहाँ पे क्या है -144, तो मतलब आएगा हमारे पास 25, और नीचे क्या है हमारे पास, 13 का होल स्क्वायर, मतलब 169, मतलब 25/169 आ गया यहाँ पे। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे, अब कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है 9, और 5 का होल स्क्वायर होता है 25, मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3/5, 5 का होल स्क्वायर होता है 25, और यहाँ क्या है, 13 का होल स्क्वायर होता है हमारा 169, तो मल्टीप्लाई में 5/13। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/13, एलसीएम लो तो क्या आएगा हमारे पास, 65 आएगा, तो कॉस इनवर्स 48 माइनस 13, 5 जा 65 होता है ना, तो 5 × 3 15 अपॉन में एलसीएम 65 ही आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 48 माइनस 15 करो तो हमें क्या मिलेगा, 5 - 8 - 5 3 और 4 - 1 3, मतलब हमें मिला कॉस इनवर्स 33/65, तो ये हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमने प्रूव कर दिया, दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, नोट कर लो इसे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो एक काम करते हैं, इसे पहले साइन में चेंज कर लेते हैं, और साइन में चेंज होने के बाद यहाँ पे साइन इनवर्स होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है ही पहले से, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा कुछ यहाँ पे साइन इनवर्स के फॉर्म में, और इस साइड भी साइन इनवर्स के फॉर्म में ही है, तो प्रूव हो जाएगा आराम से, है ना, तो करें इसे चेंज। कैसे चेंज करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स, तो हमें पता है ना, पी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है हमारा 12 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 13 है ना, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारे पास, 13 का होल स्क्वायर - 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, है ना, सबको पता है ना ये बात, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के, तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 169 13 का होल स्क्वायर, और 12 का होल स्क्वायर 144, तो 169 - 144 हमें मिलेगा 25, तो अंडर रूट 25 मतलब 5। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी, अब दिख गया, तो ये वैल्यू मिली हमें परपेंडिकुलर की, और साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 13, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 5, क्योंकि 5 परपेंडिकुलर है, और हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है 13 है, तो 5/13 प्लस क्या है ऊपर साइन इनवर्स 3/5, हमें इसे इसके इक्वल प्रूव करना है, तो एक काम करते हैं, इस साइड को हम क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS, इस साइड को क्या बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो हम सॉल्व किसको कर रहे हैं LHS को, तो हमें LHS की वैल्यू निकालनी है और प्रूव करना है कि RHS के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, जो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, इसे आप लिख देना, मेंशन कर देना कि ये वाला आपने यूज़ किया है, जब पेपर में करोगे ना तब लिख देना कि ये वाला यूज़ किया आपने, बता देना उनको कि ये पूरा साइड में लिख दिया करो, ताकि पता रह जाए कि आपने ये यूज़ किया है। तो किसके इक्वल होता है ये, साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा क्या है 5/13, और वाई हमारा क्या है 3/5, तो ब्रैकेट के अंदर
फाइव अपॉन में 13 अंडर रूट के अंदर फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई हमारा 3 अपॉन 5 है, तो मतलब 1 माइनस 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर मतलब 9 अपॉन में 25, ठीक है। फिर प्लस होगा तो प्लस है यहाँ पे, फिर वाई, वाई हमारा क्या है 3 अपॉन में 5, तो 3 अपॉन में 5 अंडर रूट के अंदर होगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स क्या हमारा 5 अपॉन में 13, मतलब 5 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर, मतलब 25 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर होता है हमारा 169, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया, बस सॉल्व कर लो इसे। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा हमारे पास बताओ, एलसीएम लोगे तो 25 आएगा, मतलब 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16 होता है, तो 16 अपॉन में 25 आएगा, है ना, 16 अपॉन में 25। फिर प्लस है, प्लस 3 अपॉन में 5 का 3 अपॉन में 5, यहाँ बात करें तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, वो एलसीएम 169 माइनस 25 मतलब 144 अपॉन में 169, तो ये तो हमें दिख रहा है ना, 16 हमारा 4 का होल स्क्वायर होता है, 25 हमारा 5 का होल स्क्वायर होता है, 144 हमारा 12 का होल स्क्वायर होता है, और 169 हमारा 13 का होल स्क्वायर होता है, तो ये तो सब के सब बाहर आ जाएंगे, है ना, 5 अपॉन में 13 का 5 अपॉन में 13 इंटू में 16 का 4, 25 का 5, है ना, 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल 4 आ गया, 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 5 आ गया, सेम टू सेम यहाँ पे भी जाएगा 3 अपॉन में 5, ये 12 का होल स्क्वायर है मतलब 12, और ये 13 का होल स्क्वायर है मतलब अपॉन में 13, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ तो नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, और बस हमारा आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या बच गया 4 अपॉन में 13 प्लस यहाँ क्या बच गया हमारे पास 12, 3 से 36 और 5 13 से 65, ठीक है, एलसीएम ले लो बस यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एलसीएम आएगा 65, है ना, और 13 5 से 65, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 4 5 से 20 होता है प्लस 36, मतलब हमें क्या मिला, साइन इनवर्स 20 प्लस 36 मतलब 56 अपॉन में 65, ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड चेक करो क्या दोनों इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों सेम आ गया, तो हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, ठीक है, सिंपल था ना, बस हमें याद क्या रखनी है, इन फॉर्मूलों को नोट कर लो और याद कर लो, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, या तो आप इससे भी कर सकते हो, ये बात भी मैंने बताया है, इसको 10 में चेंज करो, इसको 10 में चेंज करो, फिर जो आंसर आएगा उसे फिर आप साइन में चेंज कर लेना, तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे वही बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हमें प्रूव करना है कि टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 हमारा इक्वल होगा टेन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस टेन इनवर्स 3 अपॉन 5 के, ठीक है, तो एक काम करते हैं, बेस्ट रहेगा हमारे लिए कि इसे 10 में चेंज कर लो, 10 इनवर्स में, इसे 10 इनवर्स में चेंज कर लो, फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के इसके इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है, तो ये कौन सा साइड है हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है ना, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक काम करते हैं LHS इसे हम इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं, है ना, तो बेस्ट जो बताया मैंने, इसे 10 में चेंज कर लो 10 इनवर्स में, इसे 10 इनवर्स में चेंज कर लो, तो करना हमें आता है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और हमें क्या पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसे कुछ लेट कर लो, साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 को कुछ लेट कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो लेट कर लो, x लेट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू में x, तो यहाँ से मुझे साइन को मैं अगर इस साइड लाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, साइन x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 13, और साइन x हमारा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब ये तो परपेंडिकुलर होने वाला है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होने वाला है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 13 है, तो बेस क्या आएगा बताओ, बेस क्या आएगा, बेस हमारा आएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 169,
-25 144 अंडर रूट के अंदर मतलब 12 आएगा। चाहो तो चेक कर लो, फॉर्मूला सबको पता है ना, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है। ये ऐसे लिख दूँ मैं, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, बेस 12 मिल गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा टेन एक्स क्या होगा, टेन एक्स होगा हमारा परपेंडिकुलर 5। टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या है 12 है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, टेन को इस साइड ले आओ मतलब टेन इनवर्स 5/12। तो हमने साइन इनवर्स 5/13 को चेंज कर दिया टेन इनवर्स 5/12 में, दोनों इक्वल है, इक्वल टू में एक्स, इक्वल टू में एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही चेंज कर लो आप कॉस इनवर्स को। तो इसे काम करते हैं, जल्दी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल, इस पर क्या है कॉस है, कॉस हमारा क्या होता है, कॉस हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर हमारा 3 होने वाला है और बेस हमारा 5 होने वाला है। सही बोल रहा हूँ, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है भाई। बेस हमारा क्या है 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 16 आएगा अंडर रूट के अंदर मतलब 4। ठीक है, तो टेन इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, टेन इनवर्स क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस हमारा 3 है। तो ये वैल्यू आएगी हमारी कॉस इनवर्स 3/5 की। ठीक है, आप चाहो तो इसको लेट कर लो y और फिर जैसे ये सॉल्व किया वैसे कर लो, या डायरेक्ट कर दिया मैंने, एक ही बात हो। तो अभी फ़िलहाल ये वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो हमें निकालनी है आर एच एस की वैल्यू राइट हैंड साइड की, जो कि हमारी अब आने वाली है टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 4/3। फॉर्मूला ये रहा, अप्लाई करो और आंसर निकालो। फॉर्मूला कहता है कि ये हमारा इक्वल होगा टेन इनवर्स x प्लस वाई, एक्स हमारा 5/12 है और y हमारा 4/3 है, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो। तो हमें क्या मिलेगा टेन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम 12 आएगा ना, तो 12 लिख दिया मैंने, ऊपर क्या आएगा 5 प्लस 3 4 या 12, ऊपर क्या है 4, तो 4 इंटू 4 16 होता है और टोटल डिवाइड में 12 3 या 36 माइनस 5 4 या 20 अपॉन में 36। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया हम। तो अब हमारे पास क्या है, हमें क्या पता है, ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ, बहुत बता दिया मैंने, जब भी a अपॉन बी हो डिवाइड में c अपॉन डी हो तो इसे आप ले सकते हो a अपॉन में b, जो भी डिवाइड में है उसको रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इनटू में, उल्टा कर दो मतलब c बाई डी को आप d अपॉन में c लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा इक्वल होता है। ठीक है, क्लास 6-7 का है ये, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा टेन इनवर्स 5/16 21 अपॉन में 12 इंटू 36 माइनस 20 क्या आएगा हमारा 16 आएगा ना, तो c अपॉन में ऊपर में d तो मतलब 36 अपॉन में 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम, सही कहना है मैंने, यहाँ पे 36 माइनस 20 कितना होगा 16 होगा ना, तो 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो कट रहा है काट दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो कुछ हो रहा है क्या, 12 3 से 36 होता है तो 3 से यहाँ पे आ गया, अब मल्टीप्लाई कर लो 21 इंटू 3 क्या आएगा हमारे पास 63 अपॉन में नीचे क्या है 16 है तो 16, तो क्या ये इक्वल नहीं है इसके, है ना। दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई हो रहा है कि हमारा जो एल एच एस है और आर एच एस है दोनों सेम आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ। ठीक है, बस इतना ही करना था हमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान है ये, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो। हमें प्रूव करना है इक्वल दोनों साइड को, ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो लिख दूँ मैं यहाँ पे आर एच एस, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है मतलब एल एच एस। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं दोनों बताऊँगा आपको, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर लो, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
तो अभी बात करते हैं, पहले इसे सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव करते हैं। तो मैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर रहा हूँ। मेरा क्या है ये, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स है ना, इक्वल टू, फॉर्मूला हमें याद है कि नहीं, टू टेन इनवर्स एक्स हमारा इक्वल होता है, इस साइड कॉस है ना, तो कॉस वाला देख लो आप, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ, टू टेन इनवर्स एक्स हमारा इसका इक्वल होता है, लेकिन हमारे पास है क्या, टेन इनवर्स, तो ये टू चाहिए हमें है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है ना, क्यों किया हमने ये, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए और हम इसे यूज़ कर सकें। तो बन गया अभी टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स, तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे आप अंडर रूट एक्स पुट कर दोगे, ठीक। तो क्या आ गया आंसर, आ गया हमारे पास वन बाय टू, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर कॉस, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स, मतलब वन माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स, तो वन प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया क्या, वन बाय टू कॉस इनवर्स वन माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स, तो वन प्लस एक्स, ठीक है। क्या ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो हैंस एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, ये आर एच एस के इक्वल आ गया है ना। तो ये हो गया हमारा एक प्रूफ जो कि आसान था। एक तरीका और है, वो भी देख लो, ये याद है कि नहीं, क्लास इलेवंथ का है, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स टेन टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। बताऊं कि नहीं बताऊं, बता देता हूं ताकि आपको दोनों चीज़ आए तो अच्छी बात है कि नहीं। ये हम पहले भी देख चुके हैं कई बार, इस साइड हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, और इस साइड क्या है, टेन इनवर्स। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि कॉस टू एक्स हमारा इक्वल होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो बात बन जाएगी, ठीक है। मैंने यही क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे भी कॉस है, कॉस है, कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर मैं एक्स को टेन स्क्वायर एक्स लेट करता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस टू एक्स का, और फिर कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख गया होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर क्या लूँगा, मैं राइट हैंड साइड ले देता हूँ, जो कि मैं लेफ्ट के इक्वल प्रूव करने वाला हूँ, वन बाय टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, ये वाला, लेट एक्स इजिकल टू, क्या लेट करना पड़ेगा हमें, टेन स्क्वायर एक्स लिखा है यहाँ पे, एक्स हम यूज़ कर चुके हैं पहले भी, तो एक्स की जगह पे कुछ और ले लो, कुछ भी, टेन स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, आर एच एस क्या मिलेगा, वन बाय टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स, जो कि हमने लेट किया है टेन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे किसके इक्वल होता है, कॉस टू एक्स के, मतलब यहाँ पे थीटा है तो कॉस टू थीटा के इक्वल होगा है ना। तो वन बाय टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, वन बाय टू इन टू में टू थीटा, टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, थीटा मिल गया। थीटा है क्या, निकाल लो यहाँ से थीटा की वैल्यू, बताओ क्या आएगी। अगर मैं बात करूँ थीटा क्या है यहाँ पे, तो पहले स्क्वायर को ले जाओ इस साइड, तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इजिकल टू स्क्वायर इधर आएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर टेन को इस साइड ले आओ, तो थीटा इजिकल टू क्या आएगा हमारे पास, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक। तो ये जो वैल्यू आई है थीटा की, ये पुट कर दो, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो क्या ये इक्वल नहीं आ गया एल एच एस के, है कि नहीं, एल एच एस के इक्वल आ गया। तो हमने आर एच एस को एल एच एस के इक्वल प्रूव कर दिया, हैंस एल एच एस इजकल टू आर एच एस,
ठीक है, हैंस प्रूफ। तो दोनों साइड से हमने प्रूफ कर दिया और हमें दोनों फॉर्मूले हमने देख लिए और याद कर लिए और नोट भी कर लो इन्हें, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है इसे x बाय टू के इक्वल। ठीक है, इसे करने के ना दो तरीके हैं, तो जो आसान है वो मैं करवा देता हूँ। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हमें करना क्या है कि ना इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, इसे थोड़ा इजी फॉर्म में चेंज कर दो ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे इसको। कॉट इनवर्स, इसे कुछ मान लो या मत भी मानो, छोड़ो। डिनोमीटर में क्या है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला सबको पता है कि ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी हमारा इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना, यस और नो। तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, तो हम ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, मतलब समझ गए होगे आप, ये तो बहुत बार कर चुके होगे छोटी क्लास में आप। साइन एक्स ऊपर क्या है, और अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, डिनोमीटर में क्या है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस बी से ऊपर नीचे, तो ए हमारा क्या है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस बी, मतलब प्लस अंडर रूट बी क्या है हमारा, वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी देखेंगे अभी हम। वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट बी क्या हमारा, वन माइनस साइन एक्स टोटल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, है ना, ये बन रहा है, ये बने इसलिए हमने इतना कुछ किया है अभी। तो ये क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए क्या हमारा, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर, वो क्या है हमारा, अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स है हमारा बी, उसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास क्या आ गया, यहीं पे कर दूं, कॉट इनवर्स। इसे सॉल्व करोगे, चलो नीचे कर लेंगे इसे सॉल्व, क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, का प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का टोटल का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा हमारे पास अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा क्या हमारे पास, वन प्लस साइन एक्स और माइनस, तो माइनस, और क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास, वन माइनस साइन एक्स, है ना, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर क्या था हमारा, वन माइनस साइन एक्स, तो मैंने वन माइनस साइन एक्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होगे कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉट इनवर्स सॉल्व करो इसे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दूँ क्या मैं यहाँ पे, किसी को ना पता हो कि भैया ये तो मुझे पता नहीं था, अब क्या बोल रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो ए हमारा ये है, इसका होल स्क्वायर कर दो, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, वन प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा, वन प्लस साइन एक्स है ना, वन माइनस साइन एक्स है। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया हमने, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, गया ए बी, उसके बाद प्लस टू ए बी, तो प्लस टू इंटू में ए हमारा अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है और बी हमारा अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स है। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपके पास। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे क्या है, वन प्लस साइन एक्स है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर तो माइनस वन आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर तो प्लस का साइन एक्स आएगा। बिल्कुल कुछ कट रहा है ना, वन से माइनस वन कैंसिल हो गया। तो जो बचा है हमारे पास, उस पर एक बार नज़र डालो,
यहाँ पे क्या हो रहा है, वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस में है और माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, कॉट इनवर्स वन प्लस वन टू, फिर प्लस है तो प्लस टू, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स और अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स, तो क्या इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अंडर रूट के अंदर दोनों डाल दूंगा मैं, वन प्लस साइन एक्स और इनटू में वन माइनस साइन एक्स, एक ही बात है, एक अंडर रूट के अंदर डाल दिया मैंने क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना, चाहो तो इसको आप सेपरेट करोगे तो ऐसा बन जाएगा वापस, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इसलिए कर सकते थे हम, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो कोई नई बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और नीचे क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस साइन एक्स मतलब टू साइन एक्स, इसे और सॉल्व कर लो तो क्या आएगा हमारे पास, कॉट इनवर्स टू प्लस टू, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है वापस, है ना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब वन का होल स्क्वायर वन माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या है टू साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, तो मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, कोई डाउट तो नहीं है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, कैसे, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, ठीक है, छोटी सी बात है। तो यहाँ पे ऊपर टू कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने टू कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो यहाँ अंदर क्या बचा वन प्लस, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर अंडर रूट है तो कॉस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे क्या है टू साइन एक्स, टू से टू कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, ये देखो आप कॉस एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, माइनस वन को इस साइड ले आओ तो वन प्लस कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास, जो कि इक्वल होगा हमारा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू के, है ना, ये हमने पहले कई बार देख रखा है, नया तो ये भी नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास कॉट इनवर्स, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है, और डिवाइड में साइन एक्स है, साइन एक्स हमारा इक्वल होता है किसके टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू के, है ना, तो ये पुट कर दो टू साइन एक्स बाय टू इंटू में कॉस एक्स बाय टू, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है टू से टू कैंसिल हो गया और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास कॉट इनवर्स, एक ऊपर कॉस बच गया कॉस एक्स बाय टू ऊपर बच गया एक, और नीचे एक साइन बच गया, है ना, साइन एक्स बाय टू एक नीचे बच गया हमारे पास, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो हमारा आंसर आ चुका है कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा कॉट एक्स बाय टू, कॉट इनवर्स है कॉट कैंसिल, तो क्या बचा एक्स बाय टू बच गया हमारे पास, एक्स बाय टू ये हमारा आंसर आ गया। अब आप चेक कर लो कि एक्स बाय टू ही हमें प्रूव करना था ना, यस, है ना, तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इसके इक्वल होगा, इसे प्रूव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक बार देख लो, वन प्लस कॉस टू एक्स हमारा इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स के, और वन माइनस कॉस टू एक्स हमारा इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर एक्स के। किसी को डाउट हो कि भैया ये कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आया, जो कि आप बहुत बार देख चुके हो, मैंने पहले भी कई बार दिखाया है, ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पता नहीं है, अगर आप माइनस वन को इस साइड ले आओगे तो क्या बन जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स, ये लिखा मैंने, जो कि इक्वल होगा टू कॉस स्क्वायर एक्स के, है कि नहीं। और अगर आप इसकी बात करो और इसकी बात करो, अगर वन यहाँ पे है कॉस टू एक्स को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू में इसको इधर ले आओ टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है। तो अभी फिलहाल मैं करने क्या वाला हूँ, एक्स की वैल्यू कॉस, यहाँ पे x लिखा है मैंने, यहाँ पे भी x है, तो x छोड़ के कुछ भी ले लो, ठीक है ना, क्योंकि x यूज़ हो चुका है यहाँ पे, तो cos थीटा लेने वाला हूँ मैं, या cos 2 थीटा, जो आपको मन कर ले लो, ज़्यादा देखने में अच्छा cos 2 थीटा लगेगा, इसलिए x की वैल्यू मैं लेट करने वाला हूँ, लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना फॉर्मूला है यहाँ पे, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला भी है और 1 माइनस cos थीटा का भी फॉर्मूला भी है ना, है कि नहीं, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस है,
तो फॉर्मूला है जिसके कारण अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप x की जगह पुट करोगे तो सॉल्व हो जाएगी, अंडर रूट दोनों में हट जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन दो ही है, या तो cos थीटा पुट करो या cos 2 थीटा पुट करो, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये पुट करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने लेट कर लिया है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे कुछ मान लो, इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार पूरा ना लिखना पड़े हमें। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस x है, और x की वैल्यू हमने cos 2 थीटा लेट करी है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा, प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, फॉर्मूला हमें पता है, 1 प्लस cos 2x हमारा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x के, यहाँ पे थीटा है तो इक्वल होगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x, है ना, 2 cos स्क्वायर x है, यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस है यहाँ पे, तो प्लस अंडर रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। तो और सॉल्व करो से, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, मतलब cos थीटा, एक ही बात है कि नहीं, अंडर रूट 2 फिर cos स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो cos थीटा माइनस है, फिर माइनस सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक। हर जगह अंडर रूट 2 है, कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर दो, टेन इनवर्स ऊपर मैंने अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, cos थीटा यहाँ पे बचेगा और माइनस साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा, अपॉन में अंडर रूट 2 यहाँ पे भी कॉमन निकाल लिया, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या ये देखा देखा नहीं लग रहा है, ये बताओ कहाँ देखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का, सेम टू सेम यही है यहाँ पे, वहाँ पे भी चाहो तो चेक कर लो आप, जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, चेक कर लो। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, कॉस से डिवाइड किया था जो भी ब्रैकेट के अंदर है, याद आया कुछ, तो आप लिख दोगे यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे बाय कॉस थीटा, ठीक है, तो लिख देना ये बात। उसके बाद क्या आएगा, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा मतलब 1 मिलेगा, फिर माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा मिल जाएगा, अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस का प्लस sin बाय cos tan थीटा, याद आया कुछ। और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, किसका बनेगा, इसका बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, tan x माइनस y का क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, ठीक है। तो बन रहा है क्या, बन तो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा होगा अभी आपको, अब दिख जाएगा, अगर जिन्होंने वो क्वेश्चन कर रखा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5, उनको दिख गया होगा। 1 को मैं लिखने वाला हूँ tan pi by 4, एक ही बात है, tan pi by 4 की वैल्यू 1 ही होती है, माइनस tan थीटा है, सेम टू सेम उतार दिया, अपॉन में 1 की जगह 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 1 था, ये फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, ठीक। तो 1 की जगह पे 1, यहाँ पे क्या प्लस है, तो प्लस, फिर tan x into y चाहिए, tan x मेरा ये है, tan pi by 4 into में tan थीटा, अब आप देख लो कि सेम है कि नहीं है, 1 की जगह tan pi by 4 एक ही बात है, माइनस tan थीटा एक ही बात है, 1 की जगह 1, और tan pi by 4 into tan थीटा, tan pi by 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 into tan थीटा ही आएगा, सेम ही है ना, ये फॉर्मूला बन चुका है देखो इसका। और ये किसके इक्वल होता है, tan x माइनस वाई के, है ना, tan x देखो यहाँ नीचे लिखा है ना, माइनस मैंने, माइनस tan y इज अपॉन में 1
प्लस टेन एक्स टेन वाई हमारा इक्वल होता है टेन एक्स, नीचे देखो माइनस साइन है ना, टेन एक्स माइनस वाई। तो ये क्या आ गया मेरे पास y की वैल्यू tan इनवर्स tan x, क्या है मेरा पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर माइनस थीटा। ठीक, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिला पाई बाय फोर माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है वो निकाल लो, बस काम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखें, तो अगर मैं cos को उस साइड ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू टू को डिवाइड में ले आओ वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू मिलेगी है ना। तो ये पुट कर दो यहाँ पे और देख लो सेम आ रही कि नहीं आ रही, पाए बाय फोर माइनस थीटा जो कि हमारा वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक, सेम है ना जो प्रूफ करना था उसके, तो हैंस प्रूफ हमने प्रूफ कर दिया, दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमें सॉल्व करना है इसे और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है टू टेन इनवर्स कॉस एक्स, हमें फॉर्मूला याद है ना टू टेन इनवर्स एक्स का, इस साइड टेन है ना तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं ताकि टेन में हमें मिले वैल्यू और टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हम कैंसिल कर सकें। ठीक, तो ये हमारा इक्वल होगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर के, और एक्स क्या हमारा कॉस एक्स है यहाँ पे है ना, तो यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टेन इनवर्स टू एक्स मतलब टू इंटू में कॉस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब वन माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, और इक्वल टू में क्या है जो है वो लिख दो tan इनवर्स टू cosec x। ठीक है, इसके बाद हमें एक बात पता है कि वन माइनस cos स्क्वायर x हमारा sin स्क्वायर x होता है कि नहीं। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे sin स्क्वायर x इक्वल टू में क्या है हमारे पास tan इनवर्स टू cosec x, टेन इनवर्स कैंसिल कर दो, क्या बचा हमारे पास टू कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू कॉसेक एक्स। तो इसे मैं लिखने वाला हूँ टू कॉस एक्स इक्वल टू में डिवाइड में इस साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब टू कॉसेक एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है ना। तो हमें दिख रहा है कि 2 cos x यहाँ पे है, और cos x क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन होता है ना, तो मैं लिख दूँ इसको 2 अपॉन में sin x और इनटू में क्या है sin x sin स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल कर दो और sin से एक sin भी कैंसिल कर दो, तो क्या बचा हमारे पास cos x इज इक्वल टू sin x बच गया हमारे पास है कि नहीं। तो एक काम करते हैं दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर दो या कॉस को नीचे ले आओ, एक ही बात है ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों को कॉस से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कॉस अपॉन कॉस वन और साइन अपॉन कॉस टेन टेन एक्स। तो टेन हमारा वन कब होता है बताओ, टेन वन कब होता है हमारा टेन पाई बाय फोर पे है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स इज इक्वल टू वन कब होगा हमारा टेन पाई बाय फोर पे मतलब टेन फोर्टी फाइव पे, टेन से टेन कैंसिल हो गया तो हमें x की वैल्यू क्या मिली पाए बाय फोर, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, और आपको ये याद रखनी है, इसे नोट कर लो अगर नहीं किया हो तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हमें इसे सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी होगी x की, तो क्या करेंगे हम सोचो। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 1 बाय 2 है, ये नहीं होता तो मैं टेन से टेन इनवर्स कैंसिल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेता। तो एक काम करते हैं, इस टू को पहले इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता है ना। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही बात है टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, यहाँ पर क्या बचा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या करें, फॉर्मूला है इधर टेन है इनवर्स में तो ये वाला यूज़ कर लो। तो ये फॉर्मूला हमसे कहता है कि टू टेन इनवर्स
एक्स हमारा इक्वल होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स था लेकिन यहाँ पे क्या है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आप ये पुट कर दोगे, है कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास टेन इनवर्स टू इंटू में वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, फिर डिवाइड में वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा क्या है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक पलटू में जो है सो है टेन इनवर्स एक्स, सॉल्व कर लो बस इसे, एलसीएम एलसीएम ले लो, हमारा आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स, ये तो पता है ना सबको कि जब भी ए अपॉन ए डिवाइड में बी अपॉन में सी डिवाइड में डी होता है तो आप इसको लिख सकते हो ए अपॉन में बी, और जो डिवाइड में है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इनटू में डी अपॉन में सी, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये कर लो, यहाँ पे चल दिया हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है टू इंटू में वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, ठीक, और मल्टीप्लाई में अगर एलसीएम लेते हो इसे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसे कोई डाउट तो नहीं है कि कैसे कर दिया मैंने, एलसीएम क्या था, एलसीएम आता हमारा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो हमारा डी होता ऊपर डी, इसलिए ऊपर लिखा है मैंने, और यहाँ पे क्या आता एलसीएम लेने के बाद वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। लिखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक कर लो, हो रहा है, एक यहाँ पे वन प्लस एक्स है, पावर कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास टेन इनवर्स, और यहाँ पे क्या बचा ऊपर हमारे पास टू इंटू में वन माइनस एक्स, यहाँ पे बच गया एक वन प्लस एक्स बच गया, और डिवाइड में क्या बचा है हमारे पास वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारे पास वन का होल स्क्वायर वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब वन का होल स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू में वन इंटू एक्स, मतलब टू एक्स, इसे हमने ओपन किया है फिलहाल और कुछ नहीं किया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का होल स्क्वायर ए वन का होल स्क्वायर वन प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब टू एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, इसे सॉल्व कर लो, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, बस सिंपल बस सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास टू इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन का होल स्क्वायर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन इंटू माइनस वन मतलब माइनस वन, वन माइनस इंटू में एक्स स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू में माइनस टू एक्स मतलब प्लस का टू एक्स, है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स एक्स। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो गया और वन से वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास टेन इनवर्स, ऊपर है टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या है टू एक्स, और इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल कर दो, ठीक है, और टू से टू कैंसिल कर दो, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ लिख दूँ यहाँ बच गया हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बचेगा, तो ये जो डिवाइड में एक्स है इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स इंटू में एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसे और सॉल्व कर लो, एक्स को एक काम करते हैं हम उधर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा वन इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें टू डिवाइड में ले आओ वन बाय टू, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें वन बाय अंडर रूट टू, ठीक है,
प्लस माइनस में लगा दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा एक्स है ना, दिखाऊं, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जो एक्स की वैल्यू जो हमने लिखी है ना माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस नहीं लिखेंगे हम, सिंपल सा आएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट टू। और माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि गिवन है हमारे पास एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि हमारा गिवन है एक्स हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, तो ऐसे करना था, दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, बताना है किसके इक्वल होगा ये। तो ये तो काफ़ी आसान है ना, क्योंकि हमें बस करना क्या है, टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में चेंज करना है, जिससे साइन और साइन इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो करें तो टेन इनवर्स एक्स है हमारा, है ना, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन लिख देता हूँ मैं। टेन क्या होता है हमारा, इसे कुछ मान लो, इसे वाई मान लेते हैं, या डायरेक्ट कर देता मैं, चलो ऐसे कर देता हूँ। तो मुझे वाई क्या मिलेगा, एक्स क्या मिलेगा, टेन वाई, है ना। और टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एक्स अपॉन वन लिख देता हूँ मैं। तो एक्स हमारा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, और वन क्या है हमारा, बेस है। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर तो हम, है कि नहीं। तो मैं एक ट्राइंगल बना दूँ यहाँ पे, ये बनाया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर हमारा एक्स है, बेस हमारा वन है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आएगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सी बात कि बताओ मुझे साइन साइन वाई क्या होगा मेरा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर क्या हमारा एक्स है, और हाइपोटेन्यूस क्या हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है, है कि नहीं। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वाई क्या आएगा हमारा, वाई इज इक्वल टू आएगा साइन को सर ले जाओ, तो साइन इनवर्स साइन साइड आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो हमने टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो कि वाई थी, अब हमने वाई निकाल लिया है साइन इनवर्स के फॉर्म में, पुट कर दो इसमें, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, साइन टेन इनवर्स एक्स जगह पे ये पुट करना है हमें, जो कि हमने चेंज कर दिया है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो मुझे सबसे आसान लगता है, जो आसान है भी। इसमें हम लगभग कई सारे फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, तो ये मान के चलो कि जो चैप्टर में पढ़ा है वो हम रिकॉल करेंगे। तो पहली चीज़ तो मुझे ये बताओ, ये याद है कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा पाई बाय टू होता है। तो अगर मैं इसे मैं ऐसे लिख दूँ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, एक ही बात है ना, बस मैंने इसे इधर लिख दिया, इधर इस साइड ले आया, अब ये बन रहा है पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हमारा इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स के, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा, माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होगा कॉस इनवर्स एक्स के, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे वन माइनस एक्स है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स। अब क्या करें हम इसके बाद एक काम करते हैं कि कॉस को ना इस साइड ले आते हैं, ठीक, कॉस इनवर्स है, कॉस इधर आएगा, तो कॉस इनवर्स से कॉस बन जाएगा, ये कॉस माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, सिंपल हमने स्टेप फॉलो किया। अब क्या कर सकते हैं हम, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, कॉस माइनस एक्स हमारा इक्वल होता है कॉस एक्स के, ठीक, सिंपल सी बात है, क्लास 11th का है, और तो और हमने पहले भी देख रखा होगा इसे, यहाँ पे क्या है, कॉस माइनस ये पूरे को एक्स मान लो, है ना, तो कॉस माइनस एक्स बन रहा है, तो ये इक्वल होगा हमारा कॉस एक्स के, तो कॉस टू साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा ये, इस फॉर्मूले की हेल्प से हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, क्योंकि बताना होगा हमें एग्जामिनर को कि हमने कैसे कर दिया ये,
ठीक है, ये हमने यूज़ किया यहाँ पे। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, कॉस टू थीटा, या ऐसे बोल लो कॉस टू एक्स हमारा इक्वल होता है, इन चारों के इक्वल होता है, लेकिन कोई एक ही यूज़ करना है हमें यहाँ पे, क्या साइन इनवर्स, तो हम ये वाले यूज़ करेंगे क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है टू के बाद साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो फॉर्मूले में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, तो ये हमारा किसका इक्वल होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक ही बात है कि नहीं, बस फॉर्मूला यूज़ करते जा रहा हूँ क्योंकि ये सब फॉर्मूले हमने बहुत बार देख रखे हैं एक्सरसाइज में, तो हमें इनकी आदत से हो गई है ना, नए तो लग नहीं रहेंगे। तो इसके बाद मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि क्या इसमें कोई अंतर है साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। अब आप बोलोगे भैया ये क्यों पूछ रहे हो, यहाँ पे भी तो ये चीज़ दिख रही होगी आपको, साइन स्क्वायर थीटा या बोलूँ मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मैं स्टेप मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ना अगर नहीं करूँगा तो आप बोलोगे भैया ये कैसे कर दिया आपने, ये गलत कर दिया या ऐसा कैसे हो गया। एक ही बात है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं। अब मैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे भी कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये स्टेप किया है आपको, ठीक है। अब मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, वन माइनस टू, यहाँ क्या बच गया एक्स बच गया, एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है वन माइनस एक्स, ठीक है। तो वन से वन कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो, क्या बचा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे, तो टू एक्स स्क्वायर, एक्स इधर ले आओ, माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, एक्स की अगर एक्स कॉमन निकालता हूँ मैं तो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एक तो हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, वन इधर ले आओ प्लस वन अपॉन में टू, मतलब वन बाय टू, एक्स की दो वैल्यू मिल गई हमें, या तो ज़ीरो होगी या वन बाय टू होगी। चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। तो एक काम करते हैं, जो वैल्यूज आई हैं उसे इसमें पुट करके देखते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आई है हमारी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और वन बाय टू, ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, है कि नहीं। तो एक काम करने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, ठीक। तो मैं पुट करूँगा और चेक करूँगा, पहले चेक करते हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए कि सही है कि नहीं। तो इसमें पुट करो, जहाँ पे भी x है वहाँ पे ज़ीरो पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स वन माइनस ज़ीरो मतलब वन, माइनस टू साइन इनवर्स, जहाँ पे x है वहाँ पे ज़ीरो पुट करो, चेक करो पाई बाय टू के इक्वल आती है कि नहीं आती। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, साइन इनवर्स वन कब आता है साइन में, 90 पे आता है, तो साइन पाई बाय टू माइनस टू साइन इनवर्स, ज़ीरो कब आता है, ज़ीरो पे आता है, तो साइन ज़ीरो, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दे क्या, तो हमें पाई बाय टू मिलेगा, पाई बाय टू साइन इनवर्स की रेंज में आती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या मिला, पाई बाय टू मिल गया, और माइनस कर दो, ज़ीरो आती है रेंज में तो माइनस ज़ीरो, तो हमें क्या मिला, पाई बाय टू माइनस ज़ीरो पाई बाय टू, मतलब सेम है, बिल्कुल इक्वल आया। तो मतलब ये है कि हमारा एक्स इक्वल टू ज़ीरो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक्स इक्वल टू वन बाय टू, जरूरत तो नहीं है चेक करने की, लेकिन कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं एट x इज इक्वल टू वन बाई टू पर देखते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन इनवर्स, जहाँ पे x हो वहाँ पे वन बाई टू पुट करो, वन माइनस वन बाई टू मतलब वन बाई टू आएगा, माइनस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, तो क्या वैल्यू आएगी, साइन वन बाई टू कब होता है, थर्टी पे होता है, मतलब पाई बाय सिक्स पे होता है, साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स माइनस टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स, ये वैल्यू आएगी। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दूँ, क्योंकि पाई बाय सिक्स आएगा, वो रेंज में आती है साइन के, इनवर्स के साइन इनवर्स की रेंज में आती है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे पाई बाय सिक्स मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला, कट करो टू इंटू में पाई बाय सिक्स मतलब पाई बाय थ्री, मतलब एलसीएम लोगे तो हमें सिक्स मिल जाएगा, और
टू पाई माइनस पाई मतलब माइनस पाई बाई सिक्स मिला हमें, तो ये तो आंसर मैच नहीं हुआ, पाई बाई टू आना चाहिए था, नहीं आया, मतलब ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एक्स इजकल टू जीरो। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, राधे राधे।